Oh, do you imagine? Said Fearer to Fairer. Now another character, Fearer, and the other is Fairer. Fairer, traveler, say, ab ek aur khaufzada insaan kehta. Imagine karte ho, the tusk will delay on your path to the pass. Pass ke pass pahunchoge aur shaam ho jayegi tumhare raste mein. Andhera ho jayega. Imagine karo. Ye vehm. वहम वाली इमेजिनेशन है और क्योंकि ये जिस तरफ ये फियर फेरर को बुला रहा है खौफज़दा इंसान खौफ रखने वाला खुद जो है वो डेफिनेटली दूसरे को भी वही चीज़ खौफ ही बांट रहा है मुसाफिर को कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे रास्ते में तुम्हें शाम हो जाएगी तुम इमेजिन कर सकते हो पहले ही आप इतना इमेजिन करें इतना वहम में आए कि वो काम करें ना ये भी हमारे ही लोगों के अंदर है कि जिसके अंदर खौफ होता है वो खौफ ही बांटता है और जो खुद सफ़र के लिए तैयार होता है चाहे वो सफ़र किसी काम को करने की तरफ इशारा हो सिर्फ चाहे वो प्रैक्टिकली वाकई में कोई सफ़र हो जिस भी तरह का हो तो कोई ना कोई उसके रास्ते में अपने अंदर अपने दिल के अंदर जो खौफ होता है क्योंकि वो खुद भी फियरर है वो दूसरों के अंदर भी वही फैलाता है और उसको मुख्तलिफ चीज़ें इमेजिन करने की तरफ तरगीब देता है यू डिलीजेंट लुकिंग डिस्कवर द लेकिंग योर फुट स्टेप्स फील फ्रॉम ग्रेनाइट टू ग्रास कि ये जो तुम्हारी इंटेलिजेंस है ना ये तो इतनी ज़्यादा नहीं है कि तुम जो भी तुम्हें महरूमी रास्ते में होगी तुम उसके अंदर उसके लिए कोई चीज़ डिस्कवर कर लोगे तुम्हें तुम्हें कमी वाकया होगी कई कई रसद की ज़रूरत होगी कई आसानियों की ज़रूरत होगी रस्ते में सफ़र में इस तरह नहीं मिलती सफ़र खिजर है तुम्हारे कदम जब चल रहे होंगे तो अचानक से अभी तो ये फ़िलहाल तुम्हारे पास रोड है ना ग्रेनाइट की रोड है फिर ऐसे ऐसा ग्रास आने लगेगी कच्ची हो जाएगी तुम्हें रास्ता भूल जाओगे रास्ते से पटरी से उतर जाओगे इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर योर फीट इवन इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर योर माइंड इवन इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर योर आइज इवन टू सी टू वॉक टू अंडरस्टैंड और टू मूव फॉरवर्ड तो खौफ दिला रहा है और खौफ कैसे दिला रहा है कि इमेजिन करो पहले ही जहाँ पे गए नहीं उसको पहले ही इमेजिन करो तो अगेन हियर फियरर इज वार्निंग फियरर दैट देयर वुड बी सो मेनी ट्रबल्स एंड यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू वॉक द ग्रेनाइट यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैव सम वे आउट व्हेन यू विल बी फीलिंग डिफ़िकल्टी जब मुश्किल महसूस करोगे तुम्हारे पास चीज़ें नहीं होंगी जब तुम्हें चलना मुश्किल होगा तुम उस पाथ से हट जाओगे तुम क्या महसूस होगा उस वक्त शाम हो जाएगी रास्ते में तुम्हारी आँखों से तुम देख नहीं पाओगे अंधेरा हो जाएगा ये रोशनियाँ नहीं रहेंगी तुम्हारे पास इन अ वे वो उन तमाम महरूमियों उन तमाम मुश्किलों से पहले ही डरा रहा है जो रास्ते में आ सकती हैं तो एक एम रखने वाले इंसान एक इंस्पिरेशन रखने वाले इंसान एक प्रैक्टिकल इंसान को पीछे खींचने के ये तमाम वो अल्फाज हैं जो डिस्करेजिंग है ओ व्हाट वाज दैट बर्ड सेड हॉरर टू हियरर यहाँ पे भी हॉरर खौफ की पर्सोनिफिकेशन है हियरर और वो जो उसकी तरफ कान धर रहा है उसके लिए हियरर का वर्ड है सुनने वाले के लिए खौफ क्या कहता है ओह वो परिंदा क्या था डिड यू सी क्या तुमने देखा दैट शेप इन द ट्विस्टेड ट्रीज वो ट्विस्ट हुए हुए दरख्तों के पीछे कुछ था कोई फिगर जा रही थी बिहाइंड यू स्विफ्टली द फिगर कम्स सॉफ्टली तुम्हारे पीछे पीछे भी कोई चला आ रहा है द स्पॉट ऑन योर स्किन वो ये तुम्हारे चेहरे के ऊपर ये तुम्हारी स्किन पे ये जो धब्बा है इज़ अ शॉकिंग डिजीज बड़ी इंतहाई शॉकिंग डिजीज़ है तो बड़ी बीमारी है ये अगेन अब पहले शुरू में आके वो जो बातें थी फेटल वैली बदबू की या डिस्टेंस की ये भी इमेजिन की हुई चीज़ें ही हैं उस दूर की वादी के में जो रीडर ने कहा है कि हाँ भाई मैंने पढ़ा है ये वहाँ ऐसा है वैसा है फियरर कहता है इमेजिन करो ऐसा हो सकता है उसके बाद हॉरर कहता है देखो देखो वो बर्ड भी आया तुम्हारे पीछे आ गया और तुम्हारी स्किन को क्या हो गया ठीक है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें उस ऐसी चीज़ों से कि जो फिर भी हो सकती हैं पहले स्टैंजास की सेकंड स्टैंजा में या थर्ड स्टैंजा में आके तो बिल्कुल ही सुपरस्टिशियस हो गए बिल्कुल ही वहम की बीमारी में मुबतला हो गए तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से इंसान के जहन में सुपरस्टिशंस डाले जाते हैं खौफ व हरास डाला जाता है और हम कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते अगर हम इस तरह के खौफ व हरास को अपने दिल में जगह दे दें आउट ऑफ दिस हाउस सेड राइडर टू रीडर अगर कोई वाकई ज़िंदगी में राइडर ही है कल्बी तौर पे भी वो मुसाफिर है और प्रैक्टिकल है तो वो रीडर को ज़रूर कह देगा कि मेरे घर से निकल जाए
इस घर से निकल। उस घर कौन सा? उसका जहन है। घर कौन सा है? उसका दिल है। ये खौफ रीडर कौन था? ये उसके दिल के अंदर बैठा हुआ कोई शख्स था। फियर कौन था? दिल के अंदर खौफ ज़्यादा इंसान था। हॉरर कौन था? उसके दिल के अंदर बैठा हुआ खौफ है। आउट ऑफ दिस हाउस, इस घर से निकल जाओ, मेरे दिल दिमाग से निकल जाओ। सेड फियर टू फियर, योर्स नेवर विल, तुम्हारी मर्जी नहीं चलनी, मुझे डरा नहीं सकते, देर लुकिंग फॉर यू। और जो भी शेप पीछे चली आ रही है ट्विस्टेड ट्रीज में से, ये मेरे पीछे नरम नरम आ रही है, डिजीज़ है, ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही हैं। खौफ को सुनने वाले कहते हैं, एज ही लेफ्ट देम देयर, एज ही लेफ्ट देम देयर। अब वो तो नहीं गए दिल से अंदर से या दिमाग के अंदर से, तो उसने उस घर को, उस खौफ के घर को ही अपने दिल से छोड़ दिया और चला जाता है। तो अपनी प्रैक्टिकलिटी के लिए, अपनी मंजिलों की तरफ चलने के लिए, हमें उस हर खौफ से निकलना पड़ता है और उस घर से निकलना पड़ता है जो हमें वहम बतला कर रहा है। ये वो कंपनी है जिस जिसके बारे में हमें इंतहाई केयरफुल होना पड़ता है। तो दैट इज़ अबाउट टू अपोजिंग वॉइस। नाउ इट इज़ अ डायलॉग बिटवीन टू अपोजिंग वॉइस, वन इज़ मूविंग फॉर हिज डेस्टिनेशन, अदर इज़ स्टॉपिंग ही। और यही हमारा सोशल लेवल पे या कई बार हमारे गिर्दोनवा में ऐसे लोग होते हैं जो हमें सिर्फ अपोज करते हैं, कंडेम करते हैं, हमें डराते हैं और अपने उस एक्सपीरियंस की बेस पे हमें नसीहतें करते हैं जो उन्होंने किया भी नहीं होता और सिर्फ उसके बारे में दूसरों से सुना होता है। जज़ाकअल्लाह खैर, थैंक यू। आई होप आप इस चीज़ से अपनी ज़िंदगी में भी पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएंगे और हिम्मत और हौसले के साथ हर उस मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे जो नुकसानदेह नहीं है दूसरों की खातिर और आपकी खातिर, जो फ़ायदेमंद है आपके लिए और दूसरों के लिए भी। जज़ाकअल्लाह खैर, खुश रहिए, आबाद रहिए।